नवरात्र में विशेष तौर पर माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का विधान है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर पर बिठाकर पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्याएं देवी के अलग अलग रूप को दर्शाती हैं। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। जो लोग पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं वो नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन इस बार दुर्गा अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है। ऐसे में आप एक ही दिन अष्टमी और नवमी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दें, जिसके बाद अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर स्वच्छ पानी से धोएं। इसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान कर इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा उपहार दें और फिर उनके पैर छूकर आशीष लें। ऐसे करने से आपको माँ का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है।